आम आवाम को दरपेश मुश्किलात के सिलसिले में आज कांग्रेस के रहनुमा इंजीनियर मुजफ्फर डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि इंतजामिया को मौसम सरमा के इन आयाम में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए ताकि सरमा की इस शदीद लहर से जूझ रहे वादी के लोग राहत की सांस ले सकें। उन्होंने आला हुकाम से भी अपील की है कि वो खुरदनी तेल और दीगर मसनूआत की कीमतों में कमी करके आम आवाम को महंगाई के बोझ से राहत दिलाए। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हायर एडमिनिस्ट्रेशन से, तो मैं डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करूं, हायर एडमिनिस्ट्रेशन उनसे मैं मुखातिब होकर कह रहा हूं कि हर तरफ से कश्मीर में हाहाकार मचा रहा है क्योंकि यहां बहुत सारी दिक्कतें हैं। विंटर का सीजन चल रहा है, आप देखिए जो बिजली का निजाम पूरा दरहम बरहम है, बिजली कहीं पे नहीं है। मैं टाउन चौड़े टाउन में रहता हूं तो आप भी देखिए 5-5 मिनट में, आप यहीं पे है अभी भी, आप देखिए कितनी बार यहां लाइट चली जाएगी, 10 मिनट में 10 बार बिजली चली जाती है। तो बिजली का सिस्टम पूरा मेरे ख्याल से है ही नहीं कहीं पे, क्योंकि आप देखिए ये तो टाउन है, आप दूर दराज इलाकों में जो फार फ्लंग एरियाज है वहां की मैं बात कर रहा हूं, और आप ये देखिए कि जो बिजली का टैरिफ है वो कहां से कहां पहुंच गया, बिजली फी कितना कमर तोड़ दिया है पूरी महंगाई ने। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब का जीना मुहाल हो गया है। अब मेरे ख्याल से मैंने पिछली बार भी कहा था कि जो अभी बीजेपी सरकार है इनका यही मोटिव है मेरे ख्याल से कि गरीबों को हटाओ गरीबी खुद हट जाएगी। जो खाने पीने की अशिया है बहुत इनकी जो रेट है बहुत आसमान को छू रही है। आप देखिए डीजल पेट्रोल इनका कीमत कहां है, आप देखिए बिजली फी वो कहां है, कहां से एक गरीब बेचारा 1,100 रुपए बिजली फीस महाना अदा कर सकेगा, कैसे कर पाएगा वो जब उसकी आमदनी है ही नहीं कुछ।